मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिवसीय रीवा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहाड़िया में स्थापित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कचरा प्लांट का लोकार्पण किया। और इसके अलावा सीएम शिवराज ने 227 करोड़ रुपए के कार्यों की आधारशिला रखी। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम ने नगर निगम के 5 वर्षों के विकास कार्यों के रोड मैप के अधिकारियों से चर्चा की। अपने रीवा दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का चिरपरिचित अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पीएम आवास योजना में रहने वाली एक दलित महिला के घर भोजन किया। रीवा के विकास का रोड मैप बना के हम सब लोग निकले हैं। रीवा अब महानगर का स्वरूप लेता चला जा रहा है और मुझे गर्व है ये कहते हुए ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुए थे। बीच में 1.25 साल में कामों की गति रुक गई थी। अब ना हम केवल रुके हुए काम पूरे करेंगे बल्कि नए काम जो आने वाले 5 सालों में रीवा के विकास में हर दृष्टि से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिंग रोड हो, सड़कें हो, पार्क हो, रिवर फ्रंट हो, दीनदयाल रसोई जैसी योजनाएं हो, पचमठा हो, या आगे यातायात की बेहतर व्यवस्था हो, पूरे शहर को पीने का पानी हो, सीवेज का सिस्टम हो, आजीविका के साधन हो, चौतरफा काम करने की विकास की योजनाएं आज हम सब लोगों ने मिलकर तैयार की। और केवल रीवा नहीं, रीवा के साथ साथ नगर पंचायतें, उसके भी हमने निर्देश दिए 5 साल में कितना काम होगा, क्या क्या करेंगी, उसका भी रोड मैप बना रहे हैं, और ग्राम पंचायतों के विकास की योजना।